दोस्तों आपके अपने चैनल स्काई स्ट्रगल एजुकेशन में स्वागत है। को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर एक है, एक किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5। पार्ट वन के वीडियो मैंने बताया था, आप पार्ट वन का वीडियो अवश्य देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो देखिए यहाँ पर माना ए है और ए बी है। देखिए यहाँ इसकी जो क्षमता है, ए की क्षमता मीन्स इफिशियंसी, और इधर दिया गया है टाइम मीन्स समय। तो देखिए इफिशियंसी यहां पर कह रहा है कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखिए यदि हम क्षमता को बढ़ाते हैं तो कार्य करने में हमें समय कम लगेगा, यदि हम क्षमता को घटाते हैं अपने तो समय अधिक लगता है। तो यानी क्षमता और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देखिए टोटल काम 5 है, तो यहाँ देखिए एक ही जो क्षमता है वो 5 है, एक ही जो क्षमता है वो 5 है, और कह रहा है कि 40% अधिक करता है। तो देखिए 40% अधिक करता है, तो यहाँ देखिए पहले वो 5 करता था, तो अधिक करेगा तो 7 होगा, यहाँ देखिए 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो इफिशियंसी है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखिए तो यहाँ पर 7 हो जाएगा क्योंकि इनवर्स है दूसरे के, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए वहां पहले प्रश्न में कह रहा है एक किसी काम को 70 दिन में करता है, तो देखिए यहाँ पर हमें 70 लाने के लिए क्या करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे 10 से, कितना हो गया 70। अगर यहाँ पर ए का काम 70 दिन आ गया, 70 दिन में करता है, तो देखिए यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करने पे आया, तो यहाँ भी तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 50 मीन्स 50 दिन। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 50 दिन में, मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए दोस्तों इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने घर में ही रहें और प्रश्न को सॉल्व करते रहें और वीडियो को देखते रहें, और एक आप अपना नोट्स भी तैयार करते रहें जिससे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को अकेले कितने दिन लगेंगे, यानी बी कितने दिन में अकेले ही काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 60% अधिक कुशल है, 60% अधिक कुशल है, तो 60% का फ्रैक्शन हम निकालते हैं। देखिए 20% का फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/5 होता है, तो उसका 3 गुना है तो 3/5। अब देखिए यहाँ पर ए है, इधर बी है, ये देखिए यहाँ पर ए की क्षमता मीन्स इफिशियंसी। देखिए अगर ए 5 काम कर रहा था, 5 यूनिट काम कर रहा था, तो बी कितना करेगा, अधिक कर रहा है, तो हर अंश में जुड़ जाता है, तो यहाँ पर रख दीजिए 5 और यहाँ हर अंश में जोड़ दीजिए 8, मतलब कि ए की
क्षमता 5 है, बी की क्षमता 8 होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्षमता मीन्स इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखिए यहां से इफिशियंसी इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखिए अगर हम क्षमता को बढ़ाएंगे तो हमारा कार्य जल्दी हो जाएगा, मीन्स समय कम लगेगा। तो देखिए यहां पर तो टाइम क्या होगा, समय। देखिए ये क्षमता हो गई, तो क्षमता जो है समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर 8 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है एक किसी काम को 12 दिन में करता है। देखिए यहाँ पर 8 है, 8 से हमें 12 दिन लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 4 से 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया, 12 दिन। अब अगर यहां पर 12 दिन आ रहा है तो वही प्रोसेस यहां भी करना पड़ेगा, 3/2 से 3×5 15/2 मीन्स 7.5 दिन। ये देखिए ए को कार्य करने में 12 दिन लग रहा है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 7.5 दिन में, मीन्स 7/1/2 दिन में। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न मैं 3 को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो आइए स्क्रीन पर प्रश्न को पढ़ते हैं। 500 को पहले 20% घटाया गया तथा फिर उसे 25% से घटाया गया, अंतिम मान क्या होगा। देखिए यह प्रश्न आपके एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए फाइनल वैल्यू क्या होगी, अंतिम मान, फाइनल वैल्यू अंतिम मान इज इक्वल टू, देखिए दिया गया है 500, 500 प्रारंभिक मान है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 20% घटाया गया है, यहां 20% लिख दीजिए, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आएगा। यहां पर कर घटाया गया, देखिए अगर पहले 5 यूनिट था, 5 यूनिट में से 1 घटाया गया तो कितना बचा, 4/5, 4/5। फिर देखिए कह रहा है कि 25% से घटाया गया, देखिए 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। यहां देखिए माइनस है, क्यों, क्योंकि घटाया गया है, तो घटाया गया है। देखिए पहले 5 यूनिट था, पहले मान 5 यूनिट था, 5 में से 1 यूनिट कम कर दिया गया, में से घटा दिया गया, तो कितना बचा, 3/4। क्या करते हैं, हर को अंश से घटा देते हैं। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर 100 आ गया और यहां पर हो गया 300, तो कितना आ गया आंसर, 300। अंतिम मान क्या होगा, 300, मीन्स यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न 4 को करते हैं। रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है, रवि की आय उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है, आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। तो देखिए यहां पर सूर्या को हम एस से नोट करते हैं, एस इज इक्वल टू आर प्लस 12। ये देखिए ये सूर्या है और ये रवि है,
तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। तो देखिए रवि छोटा है तो 12 जोड़ेंगे तभी ना सूर्य के बराबर होगा, तो 12 को जोड़ दिया सूर्य के बराबर कर दिया। तो यहाँ प्रश्न में देखिए कह रहा है कि रवि की आयु उसकी आयु, देखिए रवि की आयु इज इक्वल टू उसकी आयु मीन्स सूर्या की आयु प्लस रवि की आयु का 40% है। देखिए 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5। यहां रख दीजिए 2/5। सूर्या की आय था, रवि की आय का योग का 40% किसके बराबर है, रवि की आय के बराबर। तो देखिए यहां से हम एस की वैल्यू रख देते हैं, यहां देखिए इस समीकरण से, तो आर यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5R इज इक्वल टू एस, एस के स्थान पर आर प्लस 12 प्लस R मल्टीप्लाइड विथ 2। अब देखिए यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5R इज इक्वल टू 2R प्लस 12 इंटू 2। अब देखिए 5R इज इक्वल टू 2×4R प्लस 24, यहां से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 24। मीन्स रवि की आयु कितना होगी, 24 वर्ष। तो फिर देखिए कह रहा है कि सूर्या की आयु क्या होगी, तो सूर्या की आयु S इज इक्वल टू 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। लेकिन फिर प्रश्न में कह रहा है कि आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। देखिए आज से 9 वर्ष बाद यानी 9 और जोड़ लीजिए इसमें, तो सूर्या की आयु इज इक्वल टू 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45 वर्ष। सूर्या की आयु क्या होगी, 45 वर्ष। मीन्स यहां पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5 है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चे को देता है, बच्चे के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 40% अपनी पत्नी को देता है, तो देखिए 40% का फ्रैक्शन निकालते हैं मीन्स भिन्न निकालते हैं, क्या होगा, 2/5। तो देखिए यहाँ वाइफ मीन्स पत्नी और चिल्ड्रेन, तो कह रहा है कि जो उसकी टोटल संपत्ति कितनी है, 5 है, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, 5 यूनिट है, 5 में से 2 को पत्नी को दे देता है। अगर 5 में से 2 को पत्नी को दे दिया तो बच्चे को कितना दिया, 3। अब देखिए फिर कह रहा है कि बच्चे के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, तो देखिए प्रतिशत निकालना है यहां से, देखिए तो क्या हो जाएगा, बच्चे के पास पत्नी के धन का 2/, यहां परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यहां से कैंसिल करिए, 50 5 × 15 150%। मीन्स यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 6 है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ गया तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न में 40% बढ़ गई, 40% का फ्रैक्शन 2/5। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वांटिटी मीन्स जो मात्रा है, मात्रा पहले 5 है,
मात्रा पांच है, पांच से बढ़कर कितना हो गई सात। देखिए क्वांटिटी है पांच है, पांच से बढ़कर सात हो गई क्योंकि कह रहा है कि बढ़ जाती है। तो देखिए ये प्रारंभिक मान है, पांच से बढ़कर सात हो गई। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये देखिए इफिशियंसी, जो हम इफिशियंसी को बढ़ाएंगे तो हमारा समय कम लगता था। तो देखिए यहां पर तो टाइम क्या हो जाएगा, सात अनुपाते पांच। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि सप्लाई 35 दिन तक चलती थी। देखिए यहां पर हमें 35 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 35 दिन। और अगर यहां क्योंकि प्रश्न में दिया है जूस की सप्लाई 35 दिन चल रही है, तो 5 लाख यहां पर 35 लाने के लिए 7 में 5 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए अब कह रहा है कि अगर यहां 5 का मल्टीप्लाई कर रहे तो यहां भी करना पड़ेगा, कितना हो गया 25 दिन। तो जूस की उतनी मात्रा 25 दिन तक चलेगी, मीन्स यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 है, 120 मशीनी पुर्जियों के मोटर में 5% पुर्जे खराब हैं, खराब थे। 80 मशीनी पुर्जियों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों की मिलाकर खराब मशीनों के पुर्जों का प्रतिशत कितना था। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि माना यहाँ पर फर्स्ट मशीन इधर सेकेंड मशीन, ये देखिए फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन। तो फर्स्ट मशीन के कितने प्रतिशत पुर्जे खराब हैं, 5% और सेकेंड मशीन के 10%। अब देखिए इसका हमसे पूछ रहा है कि मिश्रित मान कितना होगा, मिश्रित परसेंटेज कितना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ का मिश्रित परसेंटेज x है। अब प्रश्न में दिया गया है कि 120 मशीनी, देखिए प्रथम मशीन के कितने हैं 120 मशीनी पुर्जों, तो 120 यहाँ रख दीजिए। और सेकेंड मशीन का कितना है, 80 है। तो देखिए इसका हम अनुपात बना लेते हैं, यहां से कैंसिल कर लेते हैं, 4 3 12 3 और यहां से 4 2 8, तो यहां हो गया 3:2। देखिए 3:2 हो गया, तो यहां से देखिए इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2% और 3%। तो देखिए यहां से 10 में से x घटाएंगे, 10 - x = 3%। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10% - 3% = 7%। तो देखिए यहां पर जो उसका प्रश्न में कह रहा है कि मिलाकर खराब मशीनों के पुर्जों का प्रतिशत कितना होगा, 7% होगा, मीन्स यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रश्न 8 को सॉल्व करते हैं। कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे हो तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। तो देखिए यहां से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया गया है कि 40% अधिक है, तो 40% का फ्रैक्शन 2/5। यहां देखिए खाए और बेचे, खाए सेब और बेचे सेब। ये देखिए
उसने प्रश्न में कह रहा है कि जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। वो खाया जो है 5 सेब, ये देखिए ये खाए गए सेब हैं, खाए 5 सेब और बेचे कितने हैं यहां से अधिक, हर को अंश में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, 7 बेचे हैं। और देखिए दिया गया है यदि उसने 70 सेब बेचे हों, तो देखिए 7 यूनिट का मान दिया गया है, इज इक्वल टू 70, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। तो देखिए यहां पर खाए गए सेबों की संख्या क्या होगी, 5 × 10 इज इक्वल टू 50। मीन्स उसने कितने सेब खाए हैं, 50 सेब खाए हैं। मीन्स यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 9 है, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहां पर प्रश्न में दिया गया है, माना एक्स है और वाई है, कह रहा है कि एक्स का 1 गुना, एक्स 1 गुना है तो वाई कितना गुना है, उसका 5 गुना, इसका 5 गुना वाई है, तो देखिए कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो यहां देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी इज इक्वल टू 4/, ये देखिए कह रहा है कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए वाई एक्स से 4/5% कम है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 5 × 10 यहां पर 20, तो 20 × 80 80%। मीन्स यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 है, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, चीनी की कुल मात्रा बताइए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 5% बिक जाती है, तो 5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/20। देखिए 5% का फ्रैक्शन 1/20 है, यहां पर कह रहा है बिक जाती है, बिक जाती है माने कम हो जाती है, तो यहां देखिए बिका चीनी और यहां पर शेष चीनी, तो देखिए यहां पर अगर कुल चीनी 20 यूनिट है, 20 यूनिट में 1 यूनिट चीनी बिक जाती है, तो देखिए बिका हुआ चीनी 1 यूनिट, तो कितना यूनिट बचता है, 19 यूनिट। अब देखिए प्रश्न में दिया गया है 19 यूनिट का मान दिया गया है, 5% बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, तो देखिए जो बचती है तो 19 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 5 kg, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 5/19 kg। तो देखिए प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि चीनी की कुल मात्रा बताइए, चीनी की कुल मात्रा 20 यूनिट है, तो यहां से 1 यूनिट का मान दिया गया है, तो 20 यूनिट का मान 20 × 5/19 kg। तो देखिए यहां से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 20 × 5 = 100 / 19, तो यहां देखिए 19 × 5 = 95, 5 सही, 5/19 kg। चीनी की प्रारंभिक मात्रा क्या है, 5 सही, 5
सही, 5/19 केजी। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 11 है। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो देखिए यहां से क्या होगा, बच्चों का प्रतिशत हम निकाल लेंगे। बच्चों का प्रतिशत परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन इज इक्वल टू, यहां से देखिए पूरा 100% है तो कह रहा है कि 32% महिलाएं हैं, महिलाओं को घटा दीजिए 100 में से, और फिर कह रहा है 54% पुरुष हैं, पुरुष को भी घटा दीजिए। तो देखिए यहां पर घटाएंगे कितना आएगा, 100 माइनस यहां घटाएंगे 86, देखिए 32 और 54 को जोड़ेंगे 86 आएगा, इज इक्वल टू 14%। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि 196 बच्चे हैं तो 14% का मान कितना है, 196, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 196/14। यहां से आप डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 14, 1% का मान 14 आ गया। तो यहां पर पूछ रहा है पुरुष की संख्या क्या होगी, पुरुष की संख्या कितना है, 54% है पुरुष की संख्या इज इक्वल टू, पुरुष की संख्या इज इक्वल टू, यहां से देखिए कितना दिया गया है, 54%, 54×14, यहां से 54 और 14 का गुणा कर रहे होंगे तो 756 पुरुष, 756 पुरुष। मीन्स यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट प्रश्न 12 करते हैं। यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? तो देखिए यहां पर कह रहा है कि, प्रश्न में कह रहा है कि ए बी के 20% के बराबर है तो ए बाई बी इज इक्वल टू, यहां से देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5, तो यहां रख दे रहे होंगे हम, 1/5 आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि बी सी के 25% के बराबर है, बी अनुपाते सी 25% के बराबर है, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4, देखिए यहां पर 1/4। अब देखिए इस अनुपात और इस अनुपात दोनों अनुपात का गुणा कर लेंगे, क्या होगा, ए बाई बी गुणे बी बाई सी इज इक्वल टू 1/5 गुणे 1/4। यहां से बी को बी कै बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बाई सी इज इक्वल टू 1/20। ये देखिए यह आपका भिन्न है, मीन्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं तो 100 से गुणा कर दीजिए, 20×5=100, तो ए सी का 5% है, ए सी का कितना प्रतिशत है, 5% है। मीन्स यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है।
हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 13 है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4। आप देखिए कह रहा है कि स्कूल में कुल छात्र 1400 हैं। देखिए ये क्या है, टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल छात्र हैं, तो 4 यूनिट का मान दिया गया है, 4 यूनिट का मान 1400। यहां से 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1400 डिवाइडेड बाई 4, तो 350 यूनिट। तो देखिए यहां से आ गया 350। अब पूछ रहा है चश्मा लगाने वाली लड़कियां कितनी हैं, मीन्स कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। चश्मा लगाने वाली लड़कियां, चश्मा लगाने वाली लड़कियां इज इक्वल टू, ये देखिए 350। आप देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 2/7 लड़के, 2/7 लड़के चश्मा लगाते हैं, तो अगर 2/7 लड़के चश्मा लगाते हैं तो लड़कियां कितना चश्मा लगाएंगी? देखिए पूरा कितना होगा, एक एक में से लड़कियों की, लड़कों की संख्या घटा देंगे चश्मा लगाने वालों की, तो यहां निकल आएगा चश्मा लगाने वाली लड़कियों की संख्या 350 गुणे, यहां से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 5/7, 7 × 35 कितना आ गया, 250। चश्मा लगाने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, 250 है, मीन्स यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए प्रश्न नंबर 14 है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं, मीन्स मैरिड हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, अनमैरिड स्टाफ का हमें प्रतिशत निकालना है। तो देखिए माना माना पूरा स्टाफ कितना है, 100 है। अब देखिए तो 100 में मेल कितने हो गए, मेल मीन्स मैन या फीमेल, यहां पर वीमेन, देखिए मैन और वुमेन है, तो मैन कितने हैं, कह रहा है कि महिलाएं 40% हैं, तो देखिए इसका 40% निकालेंगे कितना होगा, 40, और तो मैन कितना हो जाएंगे, पुरुष कितना हो जाएंगे, 60। अब कह रहा है कि 70% महिला स्टाफ, देखिए जो 40 का 70% विवाहित हैं, तो देखिए 40 का 70%, 70/100, 7 × 28, और इधर देखिए फिर कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित हैं, तो देखिए 60 का 50%, 50/100, यहां 0 से 0 कैंसिल कर रहे होंगे, कितना आ गया, 30। तो टोटल विवाहित कितने हो जाएंगे, मैरिड मैरिड इज इक्वल टू 30 + 28 इज इक्वल टू 58%। तो लेकिन पूछ रहा है कि अविवाहित कितने हैं, अविवाहित स्टाफ कितने हैं, तो अनमैरिड
इक्वल टू देखिए 100 माइनस 58% इज इक्वल टू 42%। अविवाहित स्टाफ कितने हैं? 52% है। मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।